बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये फोकस हम करेंगे पब्लिक पॉलिसी को डिफ़ाइन करने में, यानी कि पब्लिक पॉलिसी जब भी डिफ़ाइन की जा रही है, और ऑफ़ कोर्स ये गवर्नमेंट का मैंडेट होता है और उधर ही डिफ़ाइन की जा रही होती है कि हमने लोगों की ज़रूरत को कैसे पूरा करना है। तो जब आपकी पब्लिक पॉलिसी डिफ़ाइन की जा रही है, तो उसमें आपके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए, की एरियाज क्या होने चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी डिफ़ाइन करने वालों के माइंड में क्लैरिटी किन किन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले, पब्लिक पॉलिसी इज़ लार्जर देन डिसीजन। अगर हम इसको कहें कि पब्लिक पॉलिसी ओवरऑल एक एजेंडा है, ये सिर्फ एक दफ़ा ये फैसला नहीं है कि हमने ये फैसला कर लिया सो हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपका जो पब्लिक पॉलिसी है एक डिसीजन से ये लार्ज है, यानी कि आपने फैसला कर लिया ठीक है कि हमने लोगों की लोगों के लिए जो मसाइल हैं, लाइक बेरोज़गारी है, या फिर जो सोशल इवेल्स हैं, करप्शन है, और इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, ये इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। तो पब्लिक पॉलिसी क्या है कि हमने इस चीज़ को, इन बुराइयों को रोकना है। तो अब पब्लिक पॉलिसी एक डिसीजन से हमने रोकना है, पब्लिक पॉलिसी इससे ऊपर है। कैसे कि आपने ये फैसला कर लिया, लेकिन कई जगह पे ये आके इंटरलिंक करेगा जो आपका ये फैसला है और दूसरे कई सारे फैसले जो हैं उनके साथ लिंक करेगा। अब मैं ये अगर आपको कहूँ कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है, सोशल इवेल्स को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, तो अब इसमें कितने सारे इदारे आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उनकी डिसीजन मेकिंग भी इसके साथ जुड़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, हर सेक्टर को फर्ज किया प्रमोट किया जाएगा कि, और उनको इनक्रेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, और उसके बदले में उनको फर्ज किया टैक्स से कुछ छूट मिल जाती है, कंसेशन मिल जाती है, और सेम इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो इंडस्ट्री है, या इकोनॉमिक और जो प्लानिंग है, या कॉमर्स की इंडस्ट्री है, उनको ऐसी गाइडलाइन दी जाती है कि वो प्रमोट करें कि हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको प्रमोट किया जाए, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। वो फिर तो पब्लिक पॉलिसी क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। और फैसला एक नहीं है, ये उस वक्त एक फैसला हुआ, लेकिन बाद में कई सारे उसके साथ इंटरलिंक्ड फैसले करने पड़े ताकि उन मसाइल को ओवरकम किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी जो है ये डिसीजन के क्राइटेरिया से ज़्यादा है, इट इज़ लार्जर देन डिसीजन। जो सिर्फ आपने फैसला कर लिया एक, तो उससे बढ़ के पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। पब्लिक पॉलिसी यूजुअली इन्वॉल्व ए सीरीज और मोर स्पेसिफिक डिसीजन समटाइम्स इन रेशनल सीक्वेंस, टिपिकली जनरेटेड बाई इंटरक्शन अमंग मैनी रिलेटेड डिसीजंस, के कई सारे एक दूसरे से जुड़े हुए फैसले आपको करने पड़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, ए डिसीजन बाई एन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट द डिसीजन ऑफ द लीडर अलोन, कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक फैसला सिर्फ एक लीडर का नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। एक लीडर ने फैसला किया, लेकिन उसके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, और पब्लिक पॉलिसी पे वो इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो पूरी मशीनरी को एक्टिवेट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, सिर्फ फैसले की हद तक नहीं, बल्कि उसका प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, एक्शन होने भी चाहिए, और रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड आउटकम भी उससे हासिल करने चाहिए। ये था नंबर वन। नंबर टू पे क्या आपके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, इट इन्वॉल्व बिहेवियर एज वेल एज इंटेंशन, कि जो आप इरादा जाहिर करते हैं लोगों की खैरखाई के लिए, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी जब आपने बना दी उसके, आपका जहरी बात है पब्लिक पॉलिसी तभी बनती है जब आपका इरादा हो, आपके इंटेंशन हों, लेकिन जो इसको एक्शंस डिज़ाइन करेंगे, एक्शन का प्लान करेंगे और एक्टिवेट करेंगे इसको, उनका बिहेवियर भी इस तरीके से होना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस तरीके से उसको सपोर्टिव होनी चाहिए, और एक्शन इस तरीके से लेके चले जाएं कि हर एक उसके साथ जुड़ा हुआ फैसला वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे, यानी कि बिहेवियर भी शो करे, और इसमें बिहेवियर का भी इन्वॉल्व होना लाजमी है। सिर्फ और सिर्फ इरादे का कर देना, या इरादे से इजहार कर देना, या इरादा कर देना काफ़ी नहीं है। तो यानी कि सिर्फ इरादा नहीं है, बल्कि ये एक्शन का एक मजमूआ है जो कि बिहेवियर से शो होगा। इट्स गोल मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड।
द सोशल रिफॉर्म एजेंडा ए पैकेज इंटेंडेड टू इम्पोज एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, कि गवर्नमेंट अगर फर्ज किया डिसाइड कर लेती है कि हमने पब्लिक को जो बेसिक सर्विसेज हैं वो मुहैया करनी है, तो ये सोशल रिफॉर्म का एजेंडा पैकेज जो है ये गवर्नमेंट का कह देने से काफ़ी नहीं, बल्कि अब गवर्नमेंट को सेट ऑफ एक्शन प्लान करने पड़ेंगे, लोगों को प्रैक्टिकली वो चीज़ें मुहैया करनी पड़ेंगी, लोगों के लिए वो सर्विसेज मुहैया करनी पड़ेंगी, उनको मेडिकल की, उनको सिक्योरिटी की, और उनको जो जितनी बाकी सोशल जो इश्यूज़ हैं और बाकी जितनी प्रोटेक्शन है या फिर जो सिक्योरिटी है उनके जितने मसाइल हैं वो उनको मिलते हुए नज़र आएंगे। और कब नज़र आएंगे? जब गवर्नमेंट उस पर इस एजेंडा पे रिफॉर्म्स पे एक्शन लेगी। तो ये सिर्फ इंटेंशन नहीं बल्कि एक बिहेवियर का नाम है। नंबर थर्ड, इट इन्वॉल्व एक्शन एज वेल एज इन एक्शन। ये मजमूआ है पब्लिक पॉलिसी में। सम टाइम हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं और सम टाइम एक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है, दूसरों के एक्शंस को रोकना पड़ता है। अगर अच्छे हैं तो एक्टिवेट करना है उन एक्टिविटीज़ को, और अगर बुरे हैं जो सोशली डिसऑर्डर की वजह बनते हैं तो आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा ऐसे एलिमेंट्स को जो सोशल डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड द डेलिबरेट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, कि सम टाइम गवर्नमेंट जो है अच्छी पॉलिसीज हैं तो उन पर ज़्यादा एक्शन लेती है, और सम टाइम ऐसे एक्शन होते हैं जिनके लेने से गवर्नमेंट जो है वो उसके रिसोर्स ज़्यादा एलोकेट हो सकते हैं। हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहती है और ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को वहाँ पे इनएक्टिव कर लेती है। नंबर फोर है, इट इज़ अ प्रपोजिव कोर्स ऑफ एक्शन बट पर्पजेज मे बी डिफाइंड रेट्रोस्पेक्टिवली, कि ये एक प्रपोजिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसका एक मकसद होता है। कोर्स ऑफ एक्शन शुरू में दे दिया जाता है लेकिन बाद में हर एक मकसद जो है उसको बाद में रीडिफाइन करने की ज़रूरत होती है, जो वक्त के साथ साथ बदलता है। पर्पजेज मे बी इन्वेंटेड एक्स पोस्ट फैक्टो और आफ्टर द फैक्ट इन ऑर्डर टू रेशनलाइज पास्ट एक्शन रैदर देन बी फार्मूलेटेड एग्जेंटी और बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि GOCC। तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपके प्लान हैं, जो पर्पजेज हैं, वो आपकी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसके इन लाइन होनी चाहिए, और जो पुराने आपके एक्शन हैं उनको जस्टिफाई करें। तो वो जो आपकी हिस्ट्री है उससे आपने ज़्यादा सबक सीखना है कि फ़र्ज किया हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो किस जगह पे हम पहले मौजूद हैं, उससे हमने आगे कितना लेके जाना है, कितने परसेंट उसमें इम्प्रूव करनी है। अगर पूरे एक प्रोविंस में 100 हॉस्पिटल्स हैं तो हमने आने वाले 2 साल में कितने मज़ीद हॉस्पिटल्स ऐड करने हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि एक पूरे प्रोविंस में 500 हॉस्पिटल होने चाहिए, और आपको नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री कितनी है और आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर 100 पहले हैं तो 400 कैसे आप बना सकते हैं? तो एग्जेंटी है ये, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देख के जो तवक्को कर देते हैं, एक्सपेक्ट कर देते हैं, उसको एग्जेंटी कहते हैं। और एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब है जो गुज़श्ता आपकी परफॉर्मेंस पहले हो चुकी है उसके मुताबिक आप कहाँ पे लाई करते हैं और मज़ीद आप क्या कुछ कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ प्रपोजिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मकसद फुल मकसद एक आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन हैं, बट पर्पज मे बी डिफाइंड रेट्रोस्पेक्टिवली, कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड मकसद है, वो बाद में आप उस पर लाहे अमल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। 5वें नंबर पे, इट हैज़ आउटकम्स विच मे और मे नॉट हैव बिन फोरसीन, कि आप जो उससे आउटकम रिक्वायर्ड हैं, जो आप चाहते हैं आउटकम्स हों, वो सम टाइम अनफोरसीन हो। इट हैज़ आउटकम विच मे और मे नॉट हैव बिन फोरसीन, कि जो आपके आउटकम्स होंगे पब्लिक पॉलिसी की वजह से, सम टाइम्स वो तवक्को के मुताबिक होते हैं और सम टाइम खिलाफे तवक्को होते हैं, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड उसमें कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती हैं, कई सारे इश्यूज़ आ सकते हैं जो कि अनफोरसीन जो सिचुएशन है वो आपके सामने आ जाए। सम टाइम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फोरसी करते हैं, तवक्को करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उसके मुताबिक हो जाती हैं। तो ये पब्लिक पॉलिसीज़ में दोनों चीज़ें होनी होती हैं, लाजमी जुज़ होती हैं इसकी। लेकिन हमें जितना भी मुमकिन हो सारे जो आपके क्राइसिस हैं उनको कंसीडर करते हुए पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर लचक हो, फिर भी जो आप उससे तवक्को रखते हैं या जो उम्मीद करके आप एक्शन प्लान करते हैं वो आपका रिक्वायर्ड
जो गोल्स हैं वो आपको अचीव होनी चाहिए। दे आर आउटकम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आप एक्शन देते हैं समटाइम उसका फ़ायदा होता है, एक खास एक तबके को फ़ायदा हो सकता है और दूसरे तबके को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो फ़ायदा होगा वो आपको माइंड में होना चाहिए कि वो ज़्यादा तबके को फ़ायदा होना चाहिए और नुकसान उनको होना चाहिए, अगर होता है तो जो इलीगल मीन्स यूज़ कर रहे हैं या दूसरों के हकूक़ को गजब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नुकसान हो भी जाए तो खैर है, ओवरऑल ज़्यादा जो पब्लिक का सेगमेंट है, ज़्यादा सेक्टर जो है उनको फ़ायदा होना चाहिए। ऑफिशियली बेनिफिशियल बट समटाइम्स डिसएडवांटेजेस टू सम सेक्टर। तो इसमें डेथ पेनल्टी की एक एग्जांपल दी गई है कि एक को सज़ा होती है, एक की ज़िंदगी चली जाती है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और दूसरे नंबर पे दूसरे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ये हो जाता है कि उस तरह के क्राइम से बचत हो जाती है। छठे नंबर पे इट इज़ सब्जेक्टिवली डिफाइंड। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक एरिया, यानी कि फर्स्ट की हम स्टडी की बात करें, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो हर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आवाम की पब्लिक पॉलिसी बनाने के तनाजर में जो आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए। इट इज़ डिफरेंटली व्यूड अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर। फिर इसका देखना चाहिए कि अगर हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाएंगे जिनके पास रोज़गार नहीं है। अगर हम सोशल क्राइम पे बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि सोशल क्राइम तो बहुत बड़ी वैरायटी है, अब उसके अंदर हम देखते हैं कि करप्शन, तो वो उसके सब्जेक्ट कौन होंगे कि जो करप्ट लोग हैं। अब हम कहते हैं कि जी सोशल क्राइम में जो रॉबरी है, लूटने वाले, उसको हमने फोकस करना, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो रॉबरी करने वाले हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो एरिया हो जाएगा और उसको हमें फोकस पढ़ना करना पड़ेगा। तो क्लियर होना चाहिए यानी कि आपका सब्जेक्ट, और उसको जो स्टेक होल्डर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि इसके स्टेक होल्डर्स कहाँ पे हैं, और फिर आपने उसके लिए कौन सी ऐसी जामे पॉलिसी बनाई है जिसको आप प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे रिजल्ट ओरिएंट कर सकते हैं। सातवें नंबर पे जो है, इट इन्वॉल्व इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप एंड अ की बट नॉट एक्सक्लूसिव रोल फॉर पब्लिक एजेंसीज़। कि ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ के एक्शंस आपके रिक्वायर्ड हैं, ये इंटर डिपार्टमेंट भी और इंटर ऑर्गेनाइजेशन भी और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक इदारे से दूसरे इदारे के दरमियान में एक रिलेशनशिप जनरेट करता है, और एक्सक्लूसिवली ये पब्लिक एजेंसीज़ का एक एजेंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं का रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हों, उनकी रिक्वायर्ड इसमें, इवन के जो आपकी पब्लिक है उसका उसकी सपोर्ट भी आपके लिए मयसर होनी चाहिए, तभी ये मुमकिन हो सकता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी आप करवा सकें। द पॉलिसी मेकिंग सिस्टम इन द कंट्री इज़ एन इंट्रिकेट वेब ऑफ एक्टर्स। यानी कि जितने भी वेब, क्या होता है, आप वेबसाइट देखें तो या वेब के देखें तो एक आपको पूरी दुनिया का एक नक्शा होगा जो लाइनों में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों का एक मजमू होता है, तो ये वेब है, यानी कि आपकी हर बॉक्स को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कहें तो हर एक एक दूसरे के साथ एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये इंट्रिकेट वेब ऑफ एक्टर्स हैं, यानी कि जो एक दूसरे को लिंक करते हैं। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल टर्फ दैट फैसिलिटेट, जो इसके साथ लिंक करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जिन इदारों का ये काम है वो एक दूसरे के साथ जो जिसका मैंडेट होगा वो उस पर अमल करेगा, और डेटर द पासेज ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। फिर क्या होता है कि अगर आप इनके साथ लिंक नहीं करते, इंस्टीट्यूशन उससे अवेयर नहीं होते, एक पेज पे नहीं होते, तो जो आपकी पॉलिसीज़ हैं या जो आपकी प्रोग्रेशन है वो डेटर हो सकती है, वो सारी की सारी ज़ाया हो सकती है। आठवें नंबर पे इट अराइजेज फ्रॉम अ प्रोसेस ओवर टाइम, यानी कि ये प्रोसीजर पे कंप्राइज होता है और ये ओवर द टाइम होता है, यानी कि एक दफ़ा नहीं है कि आपने एक महीने का प्लान बनाया कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट रोकनी है या फिर सोशल क्राइम्स उनको रोकना है या फिर जो है कोई भी जो सोशल इवेल है उसको आपने रोकना है, या फिर कोई आप अच्छाई का एक एजेंडा लेके आ जाते हैं, फर्स्ट किया एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, तो ये आपका एक एजेंडा जब आ जाएगा, ये प्रोसेस ओवर द टाइम है, ये एक दफ़ा नहीं है कि आपने प्रोसीजर बना दिया तो बात ख़त्म होगी, बल्कि ये ओवर द टाइम है और रेपिटेटिव एक्शंस होंगे जिनको आपने ऐसे इदारों से चलाना है जो कि परमानेंटली उसको टेकअप करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें।
आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।